Hi everyone, welcome back to my channel. मैं हूँ शोमा और आप देख रहे हैं इंडियन यूट्यूबर शोमा एंड सन्स। तो आज है फ्राइडे और अभी बजे 11:30 और मैं इस समय से अपना व्लॉग शुरू कर, मेरा नहाना नहीं हुआ है और आपने देखा है छोटी सी क्लिप, मैंने अभी दूध चढ़ाया क्योंकि जो दूध था घर पे वो एकदम खत्म हो गया था। आज सुबह मैंने बॉयल नहीं किया था, मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने अभी चढ़ा दिया क्योंकि शारुख तो मुझे देख रहा है, उसको भूख लग रही है तो अभी तो वो सो रहा है, तब तक मैं नहा के आ जाऊंगी। तो अभी एज यूजुअल घर का सारा काम तो हो चुका है, मेरा खाना बन चुका है। सुबह मैंने टिफिन में आज शिवान के लिए तो मैंने डिफरेंट टिफिन बनाया था, वर्मिसेली बनाई थी, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए मैंने आज राजमा चावल बनाया और वही हम लोग को लंच में भी खाना है। तो राजमा चावल मैंने बना के डाइनिंग टेबल पे फिलहाल रख दिया है। अभी मेड ने किचन साफ कर दिया है और घर भी जो झाड़ू पोछा होता है वो हो चुका है, डस्टिंग भी हो चुकी है मेरी, बस थोड़ा थोड़ा चीजें अरेंज करनी है और नहाना है, बस इतना करके और आज का काम मेरा फिनिश हो जाएगा। चलते हैं घर का काम थोड़ा सा करते हैं क्योंकि नहाना भी बाकी है और अभी 12 बजेंगे तो फिर पूजा नहीं कर सकते, तो इसलिए जल्दी से पहले नहा के आ जाते हैं। जब तक दूध बॉयल होगा और शारुख उठेगा तब तक हम नहा के आ जाएंगे। तो अभी मेरा नहाना और पूजा करना हो गया है, जस्ट ऐसे ही बस धूप बत्ती एक छोटा सा जला देती हूँ मैं और शाम को मैं पूजा करती हूँ, सुबह मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं और मेरा पूजा करना हो गया है। तो किचन में थोड़ा सा काम है, अभी शारुख तो सो ही रहा है, वो अभी तक उठा नहीं है, बहुत गहरी नींद में सो रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ काम ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं है। तो पीछे कुछ बर्तन रखे हुए उनको मैं लगाऊंगी और हल्की हल्की ठंड हो रही है तो मेरा मन कर रहा है कि चलो चाय पिया जाए। तो क्योंकि आज सुबह जो मैंने चाय पिया था तो वो बहुत ठंडी हो गई थी पीते पीते तक, तो मैं एक कप चाय बनाऊंगी और तब तक वेट करते हैं, अगर शारुख जल जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर। तो मैं तब से वेट कर रही थी कि शारुख जग जाएगा तो और फिर उसको नहाना है और उसको तैयार करना है नीचे लेके जाने के लिए। तो और जैसे ही मैंने चाय बना के बैठा, जैसे ही चाय बना के मैं लेके आई, मैंने देखा वो यहाँ पे बैठा हुआ है और वो जग चुका था और चुपचाप बैठा हुआ था, कुछ बोल नहीं रहा था। तो और अब उसको बिस्किट खाना है जो मैं लेकर आई हूँ, मुझे मालूम था कि ये खाएगा तो ये लो। हमारे घर में सबको पार्ले जी बहुत पसंद है और शिवान को भी और शारुख को, दोनों को पार्ले जी बहुत पसंद है तो पार्ले जी हमेशा मिल जाएगा और मुझे भी चाय के साथ में पार्ले जी बहुत पसंद है और मैरी गोल्ड बिस्किट वो मुझे बहुत पसंद है चाय के साथ में। तो आप में से कोई भी अगर मुझे कभी अपने घर चाय पे बुलाएंगे
तो मैरी गोल्ड बिस्कुट जरूर रखिएगा और पाले जी जरूर रखिएगा। चारू ये क्या हो रहा है भैया? की मैगजीन क्यों फाड़ रहे हो? ये क्या हुआ है? ये क्या किया तुमने? हाँ मैगजीन फाड़ी है? हाँ कैसे फाड़ी है? क्या किया है तुमने ये चारू? ये क्या किया है तुमने? हाँ ये मैगजीन तुमने फाड़ी है? हाँ कल मिली है भैया को ये एकदम नई मैगजीन और तुमने आज फाड़ दी इसको। अब देखना भैया तुम्हारी पिटाई करेगा, फिर मुझसे मत कहना। तो मैं अभी न्यूज़पेपर देख रही थी और न्यूज़पेपर में आज ही फ्राइडे है ना, तो कल सैटरडे संडे कुछ ना कुछ बाहर तो जाना होता ही है और कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो फ्राइडे के जो पेपर होता है उसमें बहुत सारा ऐसा डिस्काउंट और शॉपिंग का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, तो वो मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। और बीच में मैंने आपको दिखाया कि जब मैं पेपर पढ़ रही थी तो शाहरुख वहां पे क्या कर रहा था, और अभी ये मुझे बात भी नहीं करने दे रहा, ये मुझे इतना खींच रहा है। और अब शिवान के भी आने का टाइम हो रहा है स्कूल से, तो उसको लेने के लिए हम लोग नीचे जाएंगे। और आज लंच में मैंने ये राजमा और चावल बनाया था, तो राजमा आज बहुत टेस्टी बना है, और जबकि मैंने बिना टमाटर के बनाया है आज, और इतना अच्छा लगा था। शिवान ने खाया तो मैं शिवान से पूछे थे, शिवान राइस के ऊपर तुमको राजमा डाल के दे दे तुम खाओगे वैसे कि अलग अलग दे? तो शिवान कहता था मुझे कटोरी में राइस दीजिए और प्लेट में राजमा भर के दीजिए। तो उसको भी बहुत टेस्टी लग रहा है, और राजमा सच में बहुत टेस्टी लगा। मैं किसी दिन इसकी रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। आज मैंने डिफरेंट स्टाइल से बनाया था, और ये देखिए ये मेरी शिवान जो है वो पूरी एक्टिंग करता रहता है, मैं जो भी कर रही हूँ उसको कॉपी करता रहता है वो पूरे टाइम। और शारव जो है अब ये अपने ये हाई चेयर पे बैठ नहीं रहा है, पूरे टाइम ये खड़ा रहता है, इसको पकड़ना पड़ता है। खाना खिलाना बहुत स्ट्रगल हो गया है मेरे लिए, ये बस ऐसे ही करता रहेगा, खड़ा होगा फिर फिसलेगा गिरेगा फिर उठेगा फिर खड़ा हो जाएगा, ऐसे ही करता रहता है। एक दो बार तो मैंने पकड़ा है नीचे गिरते गिरते बचा है। हाय बोलो। हाय तो बोलो। हाय
तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपसे अपना फ्राइडे का रूटीन शेयर किया कि फ्राइडे के दिन हम लोग क्या करते हैं दिन में, और जनरली तो रूटीन यही रहता है। और फ्राइडे को थोड़ा शिवान देर से आता है, तो अब जैसे खाना खा के हम लोग हटे और अब तक एकदम बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, तो कोई खास ऐसा फिर टाइम मिलता नहीं है शाम को कि बच्चे सो सके या जो भी हो। तो फिर अब ये बस थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर ऐसे खेलेंगे आपस में, और फिर उसके बाद शिवान को पढ़ना है क्योंकि कल उसका एग्जाम है एक, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो वो किस चीज़ का है वो मैं आपको अलग किसी और ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो उसको अब पढ़ने के लिए बैठाना है। तो अब ऑलमोस्ट 5:30 हो रहा है, तो शिवान अब पढ़ने के लिए जा रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और शारफ पहले ऐसा दिखा रहा था कि उसको बहुत नींद आ रही है, लेकिन अब तो नहीं लग रहा, अब तो बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। तो ऐसा दिखा रहा था कि उसको बहुत जोर की नींद आ रही है, पर अब तो बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, अभी सोने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और उसका टॉय नीचे गिर गया है। तो शिवान का कल एक पेपर है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है। वो किस चीज़ का पेपर है वो मैं आपको एक अलग ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो उसके लिए मुझे उसको थोड़ा सा लास्ट जो प्रिपरेशन होती है वो करानी है। तो अब हम लोग पढ़ने बैठने वाले हैं एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर। अगर शिवा चारों सो जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि मैं शिवान को अच्छे से पढ़ा सकूँ। और तो मैंने सोचा कि चलो यहीं पे ब्लॉग एंड करते हैं, क्योंकि अब तो बस पढ़ाई पढ़ाई, रात तक पढ़ाई होनी है क्योंकि कल सुबह सुबह उसका एग्ज़ाम है। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसी तरह से मेरे और भी वीडियोस देखते रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कर चुके हैं तो आपको थैंक यू, एंड स्टे ट्यून एंड टेक केयर। बाय 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 बाय, बोलो बाय शिवान, तुम्हें बोलो बाय। आपने अभी तक मेरे चैनल इंडियन यूट्यूबर शोमा एंड सन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जाके सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है इसे आप प्रेस कीजिए। इसे प्रेस करते ही साइड में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी, और आप इस तरह से मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो प्लीज इसे जाके सब्सक्राइब कीजिए, ये एब्सोल्युटली फ्री है, और इससे आप मेरे हर वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे।